ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें इस वीडियो लेक्चर में शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहले तो हम थ्योरी देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड इसी में आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस भी, एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि जब हम किसी कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं और उस कर्व को विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन देखते हैं, और फिर अगर हम ऑरिजिन को शिफ्ट कर दें किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, ऑरिजिन को नहीं मान करके दूसरा हम ऑरिजिन लेना चाहते हैं, तब उस कर्व का जो इक्वेशन है उसमें क्या चेंजेज होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि सपोज करो कि कोई कर्व है, ठीक है ना, ये कर्व है एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, कोई भी कर्व है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, या कोई भी अननोन कर्व हो, किसी पर्टिकुलर मोमेंट्स पर, चूंकि ये कर्व तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस कर्व पर जो इसको सेटिस्फाई करता होगा इस इक्वेशन को, इसीलिए बोलते हैं इस कर्व का ये इक्वेशन है। तो सपोज करो कि ये पॉइंट्स पी है जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, ये एक्स कॉमा वाई अगर हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इसका मतलब है कि इसका पॉइंट ऑफ रिफरेंस ऑरिजिन है, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, वाई बराबर एफ एक्स कोई कर्व दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट ऑफ जो ऑरिजिन है जहाँ से हम इस कर्व के पॉइंट्स को मेजर करते हैं, दैट इज 0, 0। सो हम लोग इस कर्व को यहाँ से दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। सो दिस पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन एट 0, 0, राइट। ये पॉइंट्स को ओ मान लेते हैं। जब भी हम इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, इस पर हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट्स को ए और इस पॉइंट्स को अगर हम बी मान लेंगे, तो ओरिजिन से ओ तक का जो डिस्टेंस होगा, ओ ए जो है, इसी ओ ए को हम एक्स बोलेंगे, और ये जो ओ बी है, ठीक है ना, ये ओ बी जो होगा इसी को हम लोग वाई मानते हैं। ओ बी जो है वो पी ए भी है, राइट, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हेन दिस ओरिजिन 0, 0 इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट, सपोज एच कॉमा के, ठीक है ना। हम इसका मतलब ये है कि जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो हम एक्सिस को रोटेट नहीं कर रहे हैं, जो एक्सिस अभी परपेंडिकुलर आपस में है उसी के पैरेलल ही हम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट किए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को शिफ्ट किए और वाई एक्सिस को इधर शिफ्ट किए, ठीक है ना, राइट साइड में। सपोज करो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उसी को ओरिजिन मानते हैं, तो ये पॉइंट्स जो ओरिजिन 0, 0 था वो शिफ्ट हो गया एच कॉमा के पर, ठीक है ना। अब ये पॉइंट्स जो नया ओरिजिन है वो एच कॉमा के है, तुम ये देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो अब डिस्टेंस है वो बदल गया, ठीक है ना। अब पी का जब हम एच कॉमा के को ओरिजिन मान लेंगे तो इस पी का एक्स वाई अब इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं रहा, ठीक है ना, और सिमिलरली जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं रहा तो इस इक्वेशंस भी ये चेंज होगा। तो वही चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं कैसे चेंज हुआ। तो ये देखो कि यहां से इसको शिफ्ट करने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच गया और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग के शिफ्ट किए हैं ओरिजिन को, ठीक है ना। और इस पी का कोऑर्डिनेट्स हम एक्स डेस्ट वाई डेस्ट मान लेते हैं व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू एच कॉमा के, ठीक है ना। एक्स डेस्ट वाई डेस्ट is the new coordinates of the same point P when origin is h comma k. तो obvious है कि जिस x dash y dash के हिसाब से यहाँ से इस पर perpendicular draw करो, ये points को अगर हम लोग मान लेते हैं C है और इस points को D मान लेते हैं, इसका मतलब CD जो है वही x dash है, this point CD, ये जो points है इसको O dash मान लो, O dash C जो है वही x dash है, और ये जो होगा O dash D या कह सकते हो CP, वही हमारा क्या होगा, Y dash होगा, राइट, ठीक है। तो इस रिलेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो O dash C है वो X dash है एंड CP जो है यही हमारा Y dash है, ठीक है। अब इस रिलेशन में देखो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है कि ये जो OA है वो नथिंग बट H प्लस X dash है, दिस OA, OA इज नथिंग बट X, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x जो है वो x डेस्ट प्लस h ही है, दैट इज x डेस्ट प्लस h है। सिमिलरली अगर हम y की बात करें, ये टोटल y था, सो y इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं y डेस्ट प्लस दिस लेंथ, दैट इज k, दैट इज y डेस्ट प्लस k। हमें ये एक रिलेशन मिल रहा है,
ठीक है ना, कि न्यू कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और एच कॉमा एच और के में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स और वाई जो है इस कर्व पर कोई भी पॉइंट्स था जो जिसमें ओरिजिन जीरो जीरो था। अगर तुमसे ये पूछ रहा हो कि अगर एच कॉमा के से शिफ्ट किए अब नया इक्वेशन क्या होगा, तो इस एक्स को एक्स डैश प्लस एच से रिप्लेस कर दो, वाई को वाई डैश प्लस के से रिप्लेस कर दो, तुम्हें नया इक्वेशन एक्स डैश वाई डैश में मिल जाएगा और फाइनली एक्स डैश वाई डैश को क्या करते हैं एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। यही हम लोगों को देखना है, मतलब ये वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। सपोज करो कि कोई कह रहा हो कि एच कॉमा के से शिफ्ट करने के बाद हमको ये इक्वेशन है, तो पुराना इक्वेशन क्या रहा होगा, तो उस केस में एक्स के जगह पर एक्स माइनस एच रख दो और वाई की जगह पर वाई माइनस के रख दो, तुमको पुराना कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो रिलेशंस भी लिख देना, दैट इज एक्स डैश जो है वो एक्स माइनस एच हो जाएगा और वाई डैश जो होगा वाई माइनस के, मतलब एक ही चीज को याद रखो तो आसान है, ठीक है ना। एक्स बराबर एक्स डैश प्लस एच, वाई बराबर वाई डैश प्लस के, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। सपोज करो कि हमें दिया हुआ है, इसको हटा दे, सिंपल एग्जाम्पल है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3,4। कह रहा है कि 3,-4 एक पॉइंट है, ठीक है, 3,-4। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,2 द न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी, ठीक है, 3,-4 एक पॉइंट था। अब कह रहा है कि जब ओरिजिन को तुम 1,2 पर शिफ्ट कर रहे हो, दिस पॉइंट इज 1,2, तो अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो हमें सिंपल जो रिलेशन अभी देखे, x बराबर x डैश प्लस h था, y बराबर y डैश प्लस k था, तो हमें x दिया हुआ है 3, x डैश हमसे मांग रहा है, h दिया हुआ है 1, सिमिलरली y है -4, y डैश हमसे पूछ रहा है और k जो है वो है 2, ठीक है। तो x डैश यहां से आ जाएगा 3-1 दैट इज 2 एंड y डैश यहां से आ जाएगा -4-2 दैट इज -6। सो न्यू कोऑर्डिनेट्स हम बोल देंगे द सेम पॉइंट्स With respect to origin at 1,2, the coordinates is 2,-6, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें चेंज करना है। सपोज करो कि ये तो हुआ कि अगर हमको कोऑर्डिनेट्स चेंज करना हो तो, ठीक है, अगर हमको कोई इक्वेशंस भी देखना हो, हम सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हमें एक इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है 2x-3y+5=0, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 3,-1, कह रहा है ये लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि x और y में लीनियर इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशंस हो, हम तो बोले कि कोई भी इक्वेशंस y बराबर fx हो, कोई भी कर्व हो चलेगा, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि जब इस इक्वेशंस में, कह रहा है कि नया इक्वेशंस क्या होगा, जब इस इक्वेशंस के जो x और y है, या कह सकते हो ओरिजिन है, उसको 3,-1 से शिफ्ट कर दिए। तो अभी जैसा हम लोग रिलेशन देखिए कि x बराबर x डैश प्लस h एंड y बराबर y डैश प्लस k, तो कह रहा है नया इक्वेशंस में x डैश और h कितना हो गया 3 और y के जगह पर y माइनस के y डैश कितना हो गया, ठीक है ना, y डैश तो हमें निकालना ही है और ये k दिया हुआ है -1, तो कह रहा है इसको तुम यहां पर शिफ्ट कर दो, तो नया इक्वेशंस 2x की जगह पर हो जाएगा x डैश प्लस 3 -3y की जगह पर हो जाएगा y dest -1+5=0, ठीक है। दिया गया 2x dest -3y dest, ठीक है, यहां से 6, यहां से 3, 9 plus 5, ठीक है ना। अब ये नया इक्वेशन हमें x dest y dest में मिल गया, अब फाइनली क्या करते हैं, x dest y dest को रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो आ जाएगा 2x-3y+14। ये लिखने का तरीका है कि हम हमेशा x और y में ही इक्वेशन लिखते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये इक्वेशन पुराना था जब ओरिजिन 0,0 था, ये इक्वेशन हमें नया मिला जब ओरिजिन 3,-2 है, -1 है, ठीक है ना। तो इसी तरह का इक्वेशन इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो शिफ्ट, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है, सेम रोटेशन ऑफ एक्सिस का, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब है कि अगर हमको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, देखो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि जो एक्सिस है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो ये तो हमेशा 90 डिग्री पर है, ये पॉइंट्स जो है वही ओरिजिन है, 0,0 है। कोई भी कर्व होगा,
इसमें हम लोग कर्व भी ड्रॉ करके कोई पॉइंट्स ही ले लेते हैं, सपोज करो कि ये पॉइंट्स है, ठीक है, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स x, y है, जैसा अभी हम लोग लिए, ये किसी न किसी कर्व का भी पॉइंट्स होगा या इंडिपेंडेंट पॉइंट्स भी है। अब कह रहा है कि अगर हम इस एक्सिस को रोटेट करते हैं, तो रोटेट हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एंटी क्लॉक में रोटेट करेंगे या हम क्लॉक वाइज में रोटेट करेंगे। अच्छा, किसी भी एक्सिस को रोटेट करेंगे, जैसे x एक्सिस को रोटेट किए तो y अपने आप रोटेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को आपस में परपेंडिकुलर होना ही है। तो सपोज करो कि ये x एक्सिस को हमने एंटी क्लॉक में रोटेट कर दिया, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो y एक्सिस भी अपने एक्सिस अपने से हिसाब से ये थीटा एंगल से रोटेट हो गया होगा एंटी क्लॉक में। हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये थीटा से रोटेट हुआ तो अब ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं एक्स डेस्ट और इसको मान लेते हैं वाई डेस्ट, मतलब अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स डेस्ट वाई डेस्ट हो गया होगा, ठीक है ना, हम सपोज कर लिए, ठीक है, कि एक्स डेस्ट वाई डेस्ट अब इसी पॉइंट्स पी का कोऑर्डिनेट्स है विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डेस्ट एंड वाई डेस्ट, ठीक है। तो देखो क्या रिलेशंस आ रहा है, तो हमें अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं x एक्सिस पर, इस पॉइंट्स को a मान लो, और p से नए x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको मान लो b है, ठीक है ना, ये OA हो गया, ये OB हो गया, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि OA जो होगा वही होगा x एंड OB जो होगा यही होगा x डेस्ट, ठीक है, OA इज x और OB इज x डेस्ट, क्योंकि OB नया सिस्टम x डेस्ट का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम PA की बात करें तो पी ए जो है वो है वाई, राइट, ठीक है, लेकिन पी बी जो है वो है तुम्हारा वाई डेस्ट, ठीक है, ये लेंथ वाई एक्सिस के पैरेलल, तो जब ये थीटा है तो ऑब्वियस है ये भी थीटा हो गया होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अब क्या करो कि बी से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कुछ सी, ठीक है, और बी से इस एक्सिस इस पी ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लेते हैं डी, बहुत ही सिंपल रिलेशन है, ठीक है ना, हमने राइट एंगल बना लिया, ठीक। अब तुम देखो ये जो ओसी होगा, ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ओसी जो होगा ओसी ओबी कॉस थीटा, दैट इज ओबी कॉस थीटा, ठीक है ना, ओसी हम ओसी जो है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ओसी इज ओबी कॉस थीटा, और ओबी तुमको पता है ओबी है एक्स डेस्ट, तो ये आ गया एक्स डेस्ट कॉस थीटा, ठीक है ना, क्लियर। अब ये ट्रायंगल देखो तुम पी डी बी, अच्छा इसमें एक चीज और निकाल लेते हैं बी सी, ठीक है, इसी में बी सी जो होगा वो एक्स डेस्ट साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओ बी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ओ बी साइन थीटा, इसको हम बोलेंगे ओ बी इज एक्स डेस्ट, ये आ गया साइन थीटा, मतलब ओ सी हमें निकल गया, बी सी हमें निकल गया, ठीक है, ओ सी और बी सी। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी डी बी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल पी डी बी, ट्रायंगल पी डी बी, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल ओ बी सी लिए, यहाँ पर ट्रायंगल पी डी बी ये ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखो पी डी जो होगा पी डी पी डी ये लेंथ हमारा वाइडेस्ट था, यह आ जाएगा वाइडेस्ट कॉस थीटा, ठीक है, और ये डी बी जो होगा डी बी ये आ जाएगा वाइडेस्ट साइन थीटा, बस रिलेशन आ गया, ठीक है, पी डी ये लेंथ ट्रायंगल पी डी बी में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें रिलेशंस देख रहे हैं, यहाँ पर देखो रिलेशन, तो ये जो ओ ए है सॉरी ओ सी है, ओ सी हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं ओ सी, ठीक है, तो हम ओ ए में निकालना चाहते हैं, ओ ए देखो ओ ए ओ ए इज नथिंग बट ओ सी माइनस ए सी, ओ ए ये पुराना कोऑर्डिनेट्स था एक्स, ओ ए इज नथिंग बट ओ सी माइनस ए सी, और ए सी जो है वो डी बी के बराबर है, तो हम ओ ए एक्स जो लिखेंगे ओ सी, ओ सी का मतलब हो गया यहाँ से एक्स डेस्ट कॉस थीटा, एक्स डेस्ट कॉस थीटा माइनस ए सी, ए सी जो है वो डी बी के बराबर है, डी बी है यहाँ पर वाई डेस्ट साइन थीटा, रिलेशन आ गया एक्स बराबर एक्स डेस्ट कॉस थीटा माइनस वाई डेस्ट साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली देखो अब हम वाई में निकालना चाहते हैं, तो वाई जो है हमारा है ये पी ए, ठीक है, यहाँ पर अगर हम पी ए लिखेंगे तो पी ए इज पी ए, पी ए इज पी डी प्लस डी बी, ठीक है, ये आ गया पी डी प्लस ए डी, और ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा,
ये राइट रेक्टेंगल है, डी ए डी इज बी सी, तो हमारा पी ए, पी ए इज वाई, वाई बराबर पी डी, पी डी हमारा निकला था वाई डेस्ट कॉस थीटा, वाई डेस्ट कॉस थीटा, अब प्लस ए डी, ए डी इज बी सी, और बी सी यहाँ से निकले थे एक्स डेस्ट साइन थीटा, ये आ गया एक्स डेस्ट साइन थीटा, हो गया रिलेशन। हम इसी चीज को याद रखेंगे, ठीक है, कि x जो होगा वो x डेस्ट cos थीटा माइनस y डेस्ट sin थीटा, और y जो होगा y डेस्ट cos थीटा प्लस x डेस्ट sin थीटा होगा। मतलब अगर हमको कोई कर्व है उस पर उसका इक्वेशंस दिया हुआ है और कह रहा है कि ये कर्व का इक्वेशंस बताओ जब वो थीटा एंगल से रोटेट किए हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि थीटा एंगल से जो रोटेशन हुआ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है तो थीटा को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जो ऐसा जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम पुट कर देंगे, और अगर एक्सिस का रोटेशन कर रहा हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ हो तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम माइनस थीटा रख देंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अगर एक्सिस का रोटेशन एंटी क्लॉक में हुआ होगा तो थीटा को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज में रोटेशन हुआ होगा तो थीटा को हम निगेटिव ले लेंगे। सेम रिलेशंस में थीटा की जगह पर हम माइनस थीटा रख देंगे व्हेन एक्सिस इज रोटेटेड बाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इसमें एक रिलेशंस हमेशा आता है कि अगर हमको एक्स डेस्ट वाई डेस्ट में रिलेशन हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कि ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है, हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि हमारा जो रिलेशंस आया था वो आया है कि x बराबर x डेस्ट cos थीटा माइनस y डेस्ट sin थीटा, और y आया है y डेस्ट cos थीटा प्लस x डेस्ट sin थीटा, ठीक है। तुम क्या करो कि अगर x डेस्ट y डेस्ट में रिलेशन चाहिए तो इसमें x में इसमें एक बार cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये x cos थीटा, यहाँ क्या आ गया होगा x डेस्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस y डेस्ट cos थीटा sin थीटा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y sin थीटा बराबर y डेस्ट sin थीटा cos थीटा और प्लस x डेस्ट sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर एक्स डेस्ट, देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन हो गया, ये एक्स डेस्ट आ गया, ये प्लस और ये माइनस के साथ, ये माइनस और ये प्लस के साथ कैंसिल हो गया, तो हमें एक्स डेस्ट में आ गया रिलेशन। बहुत आसान रिलेशन है, एक्स डेस्ट बराबर आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। एक्स की जगह पर था एक्स डेस्ट कॉस थीटा माइनस वाई डेस्ट साइन थीटा, यहाँ पर देखो एक्स डेस्ट आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसमें साइन थीटा से, इसी में अब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स साइन थीटा बराबर एक्स डेस्ट कॉस थीटा माइनस वाई डेस्ट साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, और इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई कॉस थीटा बराबर आ गया वाई डेस्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स डेस्ट साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हमें निकालना क्या है वाई डेस्ट, तो वाई डेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि ये वाला क्वांटिटी जो है इसके साथ ऐड हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं y cos थीटा माइनस x sin थीटा, दैट इज इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है, y cos थीटा माइनस x, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किए होंगे तो x डेस्ट cos थीटा, यहाँ पे गलती हो गया, x डेस्ट cos थीटा इंटू sin थीटा भी होगा इंटू sin थीटा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड होकर के y डेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन है y डेस्ट का, ये रिलेशन है x डेस्ट का, ये रिलेशन है x का, ये रिलेशन है y का, ठीक है ना, यही ध्यान में रखना है। तो इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट का मतलब है कि इसी को हम लोग याद ऐसे याद तो इसी को भी रख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं एक्स वाई एक्स डेस्ट वाई डेस्ट, ठीक है। ये देखो एक चार्ट बना दिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपको x के बारे में लिखना है तो x हमारा है x डेस्ट cos थीटा, x डेस्ट cos थीटा माइनस y डेस्ट sin थीटा, ठीक है। x की जगह पर लिखेंगे x डेस्ट cos थीटा माइनस y डेस्ट sin थीटा, और y की जगह पर हमको लिखना है x डेस्ट sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा और प्लस y डेस्ट cos थीटा, सब इसमें आ जाएगा। x को लिखना है x डेस्ट cos थीटा y डेस्ट sin थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
और y को लिखो x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, वही चीज आ गया x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। अगर तुमको x डैश लिखना है तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y डैश लिखना है तो इधर से देखो x डैश माइनस sin थीटा मतलब y cos थीटा माइनस x sin थीटा, y cos थीटा माइनस x। तो ये चार्ट अगर याद है तब भी ऐसे देखो cos cos sin माइनस cos cos sin माइनस x y x डैश y डैश, ऐसे अगर याद भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से तुमको याद रहना चाहिए, या नहीं तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशंस है उसको हम देख करके एक्स डेस्ट वाई डेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल्स आता है तुम्हारे सिलेबस में भी है कि एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये एक हाइपरबोला है, आगे पढ़ोगे भी या पहले से पता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशंस में कह रहा है कि व्हेन एक्सिस इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, थीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो इस इक्वेशंस का कैसा इक्वेशंस रिप्रेजेंट होगा, मतलब फाइनल इक्वेशंस क्या होगा जब इसके एक्सिस को हम 45 डिग्री क्लॉक वाइज में रोटेट कर देते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाइज में बोल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से कि जब हम इस एक्सिस इसके एक्सिस को रोटेट करेंगे 45 डिग्री से विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, ध्यान रखना आपकी शिफ्टिंग ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किए हैं, दोनों साथ साथ नहीं हुआ है, ओरिजिन को फिक्स था, सिर्फ एक्सिस को रोटेट किया है, ओरिजिन 0-0 पर ही है। तो इसमें एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स जस्ट कॉस 45 डिग्री। अच्छा, इसमें माइनस लेना है चूंकि क्या बोले कि एक्सिस जो है वो क्लॉक वाइज में रोटेट हुआ है, तो थीटा की जगह पर माइनस ले। ठीक है, माइनस वाइडेस्ट साइन माइनस 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स कॉस में माइनस के साथ कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही हो जाता है, तो एक्स डेस्ट बाय रूट टू आ गया, और साइन में माइनस ऑफ थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस वाइडेस्ट बाय साइन थीटा सॉरी 45 रूट टू आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वाई की जगह पर क्या आएगा, तो वाइडेस्ट बाय रूट टू, चूँकि कॉस में माइनस ऑफ 45 पर 1/√2 ही देगा, और साइन की जगह पर आ जाएगा माइनस एक्स बाय। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ थीटा में साइन माइनस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/√2 है। अब ये दोनों चीज को इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा तुमको एक्स डेस्ट प्लस वाई डेस्ट, एक्स की जगह पर ये रख रहे हैं बाय रूट टू का होल स्क्वायर, माइनस वाई की जगह पर इसको लिख दो वाई डेस्ट माइनस एक्स डेस्ट बाय रूट टू का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, एक्स डेस्ट वाई डेस्ट दोनों से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x डेस्ट वाई डेस्ट दिया जाएगा 4x डेस्ट वाई डेस्ट, ये रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया एक्स डेस्ट वाई डेस्ट बराबर ए स्क्वायर बाई टू, इसको हम लोग एक्स वाई से रिप्लेस करके ए स्क्वायर बाई टू बोल देते हैं, ये नया इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इक्वेशन बदल गया है, इक्वेशन देखने में बदल गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, जैसे ही हम एक्सिस को रोटेट किए इक्वेशन जो है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसका जो ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस होगा वो सब भी चेंज हुआ होगा, वो तुम हाइपरबोला में पढ़ोगे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है ना, यही चीज़ हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो जनरली यही चीज़ आता है, ये कभी कभी ऐसे भी आता है कि इसको चेंज करके इसमें लाना है तो कितना एंगल से हम रोटेट करेंगे, तो उस केस में हम थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, इसको पुट कर देंगे और थीटा से इक्वेट करके उसके इक्वेशंस को थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, राइट, अब इस पर जो भी क्वेश्चंस है उसको तुम देखो, और ये जो है ना सर्किल में पैराबोला में हाइपरबोला में वो सब सारे जगह पर तुमको यूज होगा। ठीक है, उससे तुम्हें क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है या नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो हम शिफ्टिंग करके लिख करके आसानी से निकाल सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ओके ओके, ठीक है।